आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चने की स्थिति इस साल काफी खराब है। पूरे सीजन इसकी बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से नीचे ही हुई है। अब भी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक की मंडियों में इसका भाव चढ़ नहीं रहा है। चने का MSP बता दें 5,230 रुपये प्रति क्विंटल तय है, जबकि अभी किसानों को ये 4,500 से 4,800 रुपये तक का दाम मिल पा रहा है। ये चने के दो प्रमुख उत्पादक प्रदेशों राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल है। वहीं बता दें कि 28 जुलाई को इंदौर चना मंडी में 4,690 रुपये और झांसी मंडी में 4,900 रुपये, हरदा और उज्जैन मंडी में 4,730 रुपये और नीमच में 4,820 रुपये प्रति क्विंटल का रेट रहा। इसी तरह बीकानेर मंडी में 4,570 रुपये, जयपुर में 4,735 से 4,800 रुपये और श्रीगंगानगर में 4,550 रुपये प्रति क्विंटल का रेट रहा। किसान नेता का कहना है कि इस साल राजस्थान में किसानों ने चना औसतम 4,300 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचा है, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 900 रुपये तक का घाटा हुआ है। MSP के बावजूद किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान MSP की लीगल गारंटी मांग रहे हैं। वहीं साल 2022-23 के लिए सरकारी चना खरीद लक्ष्य 29 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 25.92 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है, जो कि तय किए गए लक्ष्य का बता दें कि लगभग 90% है। महाराष्ट्र में चने की खरीद लक्ष्य 98%, गुजरात में 104%, मध्य प्रदेश में 92% और राजस्थान में 50% तक पहुंच गई है। चने की कुल खरीद 25.92 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। वहीं राज्यवार सरकारी खरीद के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 7.60 लाख मीट्रिक टन, गुजरात में 5.59 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 8.2 लाख मीट्रिक टन, कर्नाटक में 74,000 मीट्रिक टन और आंध्र प्रदेश में 72,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। इस तरह राजस्थान में 2.99 लाख मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश में 26.45 हज़ार मीट्रिक टन चने की सरकारी खरीद हो चुकी है। उपरोक्त सभी राज्यों में खरीद कार्यक्रम पूरा हो चुका है। वहीं दाम में उतार चढ़ाव का सीधा संबंध डिमांड और सप्लाई से है। बताया गया है कि इस साल चने का उत्पादन अधिक है, इसलिए दाम MSP से कम हो गया है। हालांकि दलहन के मामले में अब भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। प्रोडक्शन की बात करें तो चने का उत्पादन सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 139.8 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वहीं गुजरात में चने का उत्पादन 49% बढ़कर 21.4 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में चना 20% बढ़कर 27.2 लाख मीट्रिक टन, महाराष्ट्र में 15% बढ़कर 27.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।